हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों ये टाटा BS4 बस है, इसका रेडिएटर फट जाने के कारण इसका रेडिएटर हम इसको बदलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट तरीके में रेडिएटर की फुल असेंबली कैसे बाहर निकाले दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों ये देखो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें बहुत लीकेज हो रही है रेडिएटर में। दोस्तों ये क्लैंप खोल ले 12 नंबर गोटी से, और इसके लिए इधर क्लैंप खोलने के बाद दोस्तों फाउंडेशन के 2 बोल्ट है दोस्तों इसमें, जो 24 नंबर के दोस्तों। इसको 24 नंबर को आप 24 नंबर गोटी से आराम से खोल ले इस तरीके से दोस्तों। 24 नंबर गोटी से आप रेडिएटर फाउंडेशन खोल ले दोस्तों, इन 2 फाउंडेशनों पे दोस्तों ये रेडिएटर टिका हुआ है इस तरीके से। दोस्तों आप इसके रेडिएटर फाउंडेशन 24 नंबर गोटी से निकाल लें दोस्तों, बिल्कुल डिसकनेक्ट कर दे इस फाउंडेशन को इस तरीके से दोस्तों। इसको फाउंडेशन लूज़ करने के बाद दोस्तों अंदर गाड़ी का बोनट हमने उठाया हुआ दोस्तों इस तरीके से। आप कई बंदे क्या करते हैं, थर्मोस्टेट वाल के पास 2 पाइप लगी होगी दोस्तों, आउटलेट पाइप होती है दोस्तों, यहाँ से पानी से गर्म पानी अंदर जाता है दोस्तों। थर्मोस्टेट वाल जब खुलता है, इसको दोनों पाइपों को आप डिसकनेक्ट कर ले दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों पाइपों को आप डिसकनेक्ट कर ले दोस्तों। डिसकनेक्ट करने के बाद दोस्तों इंटरकूलर में जो क्लैंप लगे हुए दोस्तों, इंटरकूलर की पाइप इसके साथ अंदर जुड़ी हुई दोस्तों, इसको अलग कर ले दोस्तों दोनों क्लैंपों को। 11 नंबर चाबी से आप इसको खोल ले। इसको खोलने के बाद दोस्तों आप 16 नंबर के बोल्ट को रिमूव कर ले दोस्तों इस तरीके से, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे दोस्तों। इन बोल्टों को रिमूव करने के बाद दोस्तों सारी असेंबली को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों इस तरीके से। आप रेडिएटर को बहुत आसानी से फुल असेंबली दोस्तों बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये टाटा 16 तोला बस है दोस्तों, जिसका रेडिएटर हम आपको चेंज करना बता रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों आप रेडिएटर को बाहर निकालें दोस्तों, वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि रेडिएटर को डिसमेंटल कैसे करना है और असेंबल कैसे करना है, न्यू रेडिएटर इसमें कैसे फिट करना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप हमारी असेंबली बाहर निकल चुकी है दोस्तों, आप इस असेंबली को हम डिसमेंटलिंग करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। 12 नंबर गोटी से आप इसके श्राउड के 8 बोल्टों को खोल रहे हैं आराम से दोस्तों इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहे इस तरीके से दोस्तों। आप इसको श्राउड को बाहर करने के बाद दोस्तों हम इसका इंटरकूलर को अलग कर देंगे दोस्तों। इंटरकूलर के 4 बोल्ट आराम से खोल ले दोस्तों, 12 नंबर बोल्ट इसमें लगे हैं गोटी से। आप इसको आराम से डिस्कनेक्ट कर ले इंटरकूलर इस तरीके से दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि रेडिएटर कैसे चेंज करना है दोस्तों टाटा BS4 16 तेरा बस का। इस तरीके से दोस्तों इस पाइप को आप डिस्कनेक्ट कर लें। पाइप को डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इंटरकूलर को आप बाहर निकाल लें दोस्तों इस तरीके से। इंटरकूलर हमारा बाहर आ चुका है दोस्तों। ये इसका रेडिएटर जो फट चुका है, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसमें वाटर की बहुत ज़्यादा लीकेज थी दोस्तों, और गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी और रेडिएटर में पानी बहुत ज़्यादा डर रहा था, जिसके कारण दोस्तों इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है दोस्तों इस तरीके से। आप इसकी ब्रैकेट से दोस्तों, इसके फ्रेम से आप रेडिएटर को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों इस तरीके से। सारे फ्रेम के बोल्ट आप खोल ले दोस्तों, 12 नंबर बोल्ट इसमें होते हैं। इस तरीके से आप खोलने के बाद रेडिएटर को रिमूव कर सकते हैं दोस्तों इसमें से। देखो दोस्तों हमने ये रेडिएटर खोल दिया है, और देखो कितना ज़्यादा वाटर इसमें लीकेज हो रहा था दोस्तों। हम इस फ्रेम में नया रेडिएटर कैसे फिट करना है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। वीडियो में बने रहें इस तरीके से दोस्तों हम नया रेडिएटर ला चुके हैं दोस्तों, और हम इसको फिट करेंगे इस तरीके से दोस्तों। ये देखो ये नया रेडिएटर है दोस्तों, इसको किस तरीके से फिट करना है दोस्तों रेडिएटर को इस तरीके से फ्रेम में फिट करें, रेडिएटर को इस तरीके से फ्रेम में लगाएं दोस्तों, बिल्कुल सेफ्टी के साथ लगाएं दोस्तों, ताकि हमारा इसमें से इसकी फिन्स ख़राब ना हो दोस्तों। अगर इसकी फिन्स ख़राब होगी तो ओवरहीटिंग की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, और वाटर लीकेज भी इसमें हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको फ्रेम में फंसा लें दोस्तों, और अच्छे तरीके से इसके 12 नंबर बोल्टों को टाइट कर लें दोस्तों फ्रेम में, बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिट करने के बाद दोस्तों जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सही पोजीशन में फिट करें दोस्तों। फिट करने के बाद दोस्तों अब हम इसका श्राउड को लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से। फ्रेम हमारा फिट हो चुका है दोस्तों, और इसमें रेडिएटर को भी हमने फिट कर दिया है दोस्तों। रेडिएटर फिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप इसका श्राउड को, सारे बोल्टों को अच्छे तरीके से कस लें दोस्तों, श्राउड क्रैक ना हो दोस्तों, इस तरीके से फिट करें आप। श्राउड फिट करने के बाद दोस्तों आप इसमें इंटरकूलर को फिट कर ले दोस्तों, इंटरकूलर के सारे बोल्ट लगा लें दोस्तों, और इस तरीके से आप इसकी मेन पाइपलाइन को फिट कर ले दोस्तों। मेन पाइपलाइन को अच्छे से देख ले दोस्तों, ये कहीं ब्लॉक तो नहीं है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, थैंक यू।